नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों, भारत पे की तरफ से मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट वाला सर्विस लॉन्च किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप भारत पे एप्लीकेशन के मदद से अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं या फिर बिल पेमेंट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग भारत पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। यदि आप अपडेट करके रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इसमें लॉगिन वगैरह तो हो ही जाइएगा। तो आपको यहां पर बैनर चलता फिरता नजर आएगा। इसी बैनर में आएगा आपको मोबाइल रिचार्ज वाला ऑप्शंस, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं लॉन्चिंग रिचार्ज एंड बिल पेमेंट लिखा गया है, जहां पर मोबाइल रिचार्ज, DTH बिल पेमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आप कर सकते हैं, DTH रिचार्ज वगैरह। अब दोस्तों, यहां पर रिचार्ज नाउ की ऑप्शन आ रहा है। इसी रिचार्ज नाउ पर आपको क्लिक करके अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करना होगा। वो कैसे, चलिए बता देती हैं। यहां पर रिचार्ज पर हम क्लिक किए हैं। अब रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद यहां पर टॉप कैटेगरीज आपको सबसे ऊपर में नजर आएंगे, जहां पर आप लोग प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पोस्ट पेड बिल पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, गैस बिल पेमेंट कर सकते हैं, वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में कोई सहायता या फिर FAQs के बारे में जानना चाहेंगे तो आप यहाँ पर जान सकते हैं। दोस्तों, अभी जो है फिलहाल मोबाइल रिचार्ज का जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर भारत पे लॉन्च करके देखी है कैसा कुछ चलता है। उसके बाद इसमें और भी फीचर्स ऐड किया जाएगा। दोस्तों, पेमेंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो जो भी आप पेमेंट करोगे, यहां पर पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करके आप लोग पेमेंट देख सकते हो, जो कि यहां पर रिसेंटली में जो भी मोबाइल रिचार्ज किए रहोगे, चाहे आपका फेल हो या फिर सक्सेसफुल हो या फिर प्रोसेसिंग में हो, जो भी आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए रहोगे सारा कुछ आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आप मोबाइल रिचार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वगैरह कैसे कर सकते हो। तो यहां पर रिचार्ज वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। रिचार्ज वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है या फिर कॉन्टैक्ट से भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद ये जो है ऑटोमेटिक बता दिया जाएगा कि कौन से राज्य का और कौन सा सिम है, लेकिन फिर भी अगर आप चेंज करना चाहती हैं तो चेंज ऑपरेटर पर क्लिक करके आप यहां से चेंज कर सकते हैं। एयरटेल, BSNL, आइडिया वगैरह या फिर जियो, वोडाफोन, जो भी सिम कार्ड है आपका जिस ऑपरेटर का, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद अपना स्टेट भी यहाँ से चुन सकते हैं कि कौन से स्टेट का यह सिम है, यानी कि आपका सर्किल क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लान देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर लेटेस्ट प्लान चले आ रहे होंगे आपके सिम कार्ड पर या फिर जियो या फिर एयरटेल पर, वो आप देख सकती हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल टॉप अप करके दिखाते हैं आपको 10 रुपया का। तो 10 रुपया यहाँ पर हमने एंटर किया और यहाँ पर पे नाउ की ऑप्शन आ रही है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है पे यूजिंग UPI लिखा जा रहा है। मतलब अभी जो स्टार्ट किया गया है UPI सर्विस को, इसमें आप जो है अभी फिलहाल UPI का सहारा ही ले सकते हैं, जिसमें आप फोन पे, गूगल पे वगैरह का सहारा ले सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर लगता है कि यहाँ पर फायदा होने वाला है भारत पे को, तो वो कुछ ऑफर भी लेकर आएगी बिल पेमेंट या फिर रिचार्ज के ऊपर, तब जो है यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल रिचार्ज हो या फिर बिल पेमेंट हो, जहाँ ऑफर मिलता है ग्राहक उधर ही जाता है। अभी अगर मान के चलो कि आप लोग फोन पे एप्लीकेशन को यूज करते हो रिचार्ज के लिए, अचानक से गूगल पे पर आपको कुछ ऑफर अच्छा मिलने लगे फोन पे से, तो आप फोन पे को छोड़कर गूगल पर आ जाइएगा। उसी तरह से अगर भारत पे कुछ ऑफर लेकर आती है इस पे, तो आप लोग जो है गूगल पे या फिर फोन पे को यूज करना बंद करके इस पर जो ऑफर चलेगा उसके अनुसार से आप चलेंगे। फिर यहां से ऑफर कहीं अलग चल जाएगा या फिर भारत पे से ऑफर हटा दिया जाएगा, फिर आप लोग अलग वाले ऑफर में शिफ्ट हो जाओगे। तो यहां पर जो है पे नाउ की ऑप्शन आ रहा है, चलिए हम आपको पेमेंट करके दिखा देते हैं। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में जितने सारे एप्लीकेशन रहेंगे जो UPI को सपोर्ट करता है, वो सारा कुछ आपको नजर आ जाएगा। तो आपको अपने मन से एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है कि आप फोन पे से पेमेंट करना चाहते हो या पेटीएम से या फिर एक्सिस, जो भी आपके पास एप्लीकेशन है UPI इनेबल्ड एप्लीकेशन, उसके साथ आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। तो यहां पर फोन पे को हम सेलेक्ट करते हैं और फोन पे को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर फोन पे एप्लीकेशन पर ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं और उसके बाद जो है यहां पर आपको पेमेंट करना होगा अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट का UPI नंबर डालकर। तो यहां पर जो है UPI नंबर हम एंटर कर देते हैं। UPI पिन डालने के बाद हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हो ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुल हो चुका है।
तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा वापस से आप जो है भारत पे एप्लीकेशन में आ जाओगे, लेकिन यहाँ पर कुछ देर के लिए आपका रिचार्ज जो है पेंडिंग लिखा जाएगा, स्टेटस में भी पेंडिंग लिखा जाएगा, लेकिन इससे पहले ही आपका रिचार्ज हो जाएगा, जो कि मेरे पास मैसेज वगैरह भी आ चुका है कि आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप लोग काफ़ी आसानी से भारत पे एप्लीकेशन से अब मोबाइल रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखना शेष है कि भारत पे की तरफ से मोबाइल रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट पर कौन से ऐसा ऑफर निकाला जाता है जिससे ये हाईलाइट हो सके, इस सर्विस को भारत पे जो है हाईलाइट कर सके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।